तो पैकअप हो चुका है, बस लगेज भी लोड कर दिया है, अब सिर्फ टैंग बैग और ये प्लास्टिक कैरी करूँगा इन केस बारिश गिरा तो लगेज के ऊपर मैं डाल सकूँ। तो ये था होटल, ये मैंने लिया था 3 दिन के लिए, और ये वॉशरूम ये मुझे सिर्फ पड़ा 1000 रुपीज़ पर डे। यहाँ पे बालकनी भी है, पर बालकनी में बैठने का कुछ मतलब नहीं, बहुत गर्मी है बाहर। एसी और रूम इकोनॉमिकल ठीक है, आप ले सकते हैं। ये होटल कलंगुट में है और मैं इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको आना है आ सकते हैं। मुझे 1000 रुपीज़ में गिरा था, आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। चलो यहाँ से अब निकल रहे अरम्बोल। ये होटल था, बाबा होटल का नाम क्या था? ब्लू रेज। ब्लू रेज होटल का नाम है और ये बंदा है सामने। चलो निकलते हैं, जय श्री राम। ये रेज होटल, चलो हाँ चलो भाई, हाँ। सॉरी, जो बंदा मिला था अभी वो ओनर है उस जगह का। रुक जा। कलंगुट से बाहर निकल रहे हैं, फर्स्ट एग्जिट मीन्स लेफ्ट लेना है शायद से, देखता हूँ वही ले लूँगा। ओ, ये बहुत क्लोज था, मैं जस्ट मैप देखने के लिए नीचे। ओ बच गया भाई, इससे आगे निकलना चाहिए। ये मुझे वो रील वाली जगह लग रही है जहाँ पे लोग आके रील्स बनाते हैं। कोई पेट्रोल पंप मिल जाए बस बीच में, 50 का ही रेंज दिखा रहा है इसके अंदर। तो अभी ये पेट्रोल पंप एक मिला 13 किलोमीटर पीछे अरम बोल के, बुला फुल करवा लेते, चांस नहीं लेना है। ये अरम बोल के पहले कोई ब्रिज है पता नहीं, तो मुझे फ़ोन पे दिख भी नहीं रहा है। कैमरा लगा हुआ था, स्पीड कैम लगा हुआ था, चेक कर। तो ये मेरा होटल है अरम्बोल में जो लिया था, काफ़ी बड़ा है, जो कि मैंने 2 दिन के लिए लिया था। इसमें किचन भी है, फ्रिज है और इंक्लूडिंग दिस बालकनी, कॉमन बालकनी है। और यहाँ से जो स्ट्रेट रास्ता है, एक गली जाती है और सीधा बीच पे निकलती है अरम्बोल बीच के लिए। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, 2 मिनट का वॉकिंग है सीधा अरम्बोल बीच। तो यहाँ का लोकेशन है, घर की ओर टाइम दिखा रहा है 12:45 और अभी हो रहे टाइम 9:41। 10:30 बजे तक घर पे अराइविंग का टाइम दिखा रहा है, तो लेट्स सी कैसे चलता है। चलिए मिलता हूँ रास्ते पे आपको। पूरा गोवा घूम के मेरा हो रहा है 672 किलोमीटर हुआ है, जिसमें मैंने 4 बार रिफ्यूल किया है। चलिए बोलबम, जय श्री राम, हर हर महादेव।
तो ये होटल था जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये गेट है। तो अब यहाँ से घर की ओर, और ये कुछ होटल था, ये यहाँ पे जय श्री कृष्णा, और वहाँ पे ऊपर रूम था। तो अगर आपको चाहिए तो कॉल करके आ सकते हैं आप। तो दो दिन मेरा मैंने कुछ किया ही नहीं, जो रूम्स लिया था उसमें स्टे कर रहा हूँ बस। मेरा पेट ख़राब हो गया था, और ये कुछ अरम्बुल की गलियाँ जो कि मैंने घूमा नहीं ज़्यादा। तो ये अभी निपानी रोड पकड़ लिया है हमने, तो ये निपानी कोल्हापुर होते हुए घाट में आपका स्पीड स्लो हो जाता है काफ़ी। और देखो अभी भी वाटरफॉल है यहाँ पे, देखो वैसे कल रात को ही बारिश आके गई है। सर आपका नंबर प्लेट भी नहीं है, और आप क्या कटा रहे हो एक तो बस को, तो मुझे आपसे आगे निकलना पड़ेगा, आप हानिकारक हो। अरे आंटी फ़ोन में लगी हुई है, क्या बोलने का, दो मिनट साइड में नहीं रुक सकते। ट्रक वाला टर्न मारा था पर वो रेडियस नहीं बैठ रहा था उसका, ट्रक काफ़ी लंबी थी। अब वो आगे पीछे करेगा और डाल देगा सीधा रास्ते पे गाड़ी यार। तो अभी यहाँ पे हॉल्ट किया था सिर्फ पानी के ब्रेक का। टोटल हो गए 300 किलोमीटर अभी तक, और 292 और दिखा रहा है। मुझे लगा कोई ऑफ रोड वाली व्हीकल है, पर ये लोकल गांव का बोलेरो है। ए, मस्त दिख रहा है, बोलेरो को ऑफ रोडर बनाया है, बढ़िया तो दिख रहा था। ये देखिए ये सफारी है जो मिलिट्री को दिया जाता है, इसमें डबल द पावर है, और ये 4x4 है। वो मिलिट्री का सफारी था और ये नॉर्मल वाला सफारी है। पुणे 87 किलोमीटर्स, चलो पुणे ही रुकेंगे, देखते हैं। सन देखो, सन एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम ऑरेंज हो गया है भी। आगे से दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए। तो अभी मैंने पुणे क्रॉस कर लिया है, और टोटल किलोमीटर्स अभी चला चुका हूँ 450 किलोमीटर्स, और 150 अप्रॉक्स बाकी है। अभी भी टाइम शो कर रहा है 11:25 का अराइविंग टाइम। अभी कोई हॉल्ट नहीं लूँगा, अभी लास्ट स्ट्रेच भी मैंने एक सिंगल स्ट्रेच लिया था 150 किलोमीटर्स मैंने किया। पूना में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पूना में मुझे 45 मिनट्स गया, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा गंदा था। खाने एंटर कर लिया है, और लो भाई इधर मस्का और जाम दोनों लगा हुआ है। आगे रुक जाओ, इजी है सेटअप लेना, हार्ड है थोड़ा। हाँ मोबाइल से कर सकते हो, एकदम सस्ता है। दिखाओ पब्लिक को, आपका एक्सपीरियंस बताओ, आप क्या कर सकते हो। मैं रेगुलर पोस्ट नहीं करता, मैं मेरा रील्स और मैं इसके लिए मिक्स करके, अभी मेरा लास्ट वीडियो कम से कम 4 महीने पहले का रहेगा। अभी राइड पे गया, उसके बाद ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। मैं मीरा रोड रहता हूँ, अभी मैं गोवा से आ रहा हूँ, गोवा से आ रहा। हाँ यस, मैं एक हफ्ते के लिए गया था वहाँ पे।
मैं सवेरे 11 बजे निकला था। हाँ मेरे को नहीं नहीं रुका था। आपका नाम क्या है? रोहन। रोहन अच्छा लगा मिलके। आप आओगे व्लॉग में? दो तीन दिन बाद चेक कर लेना, आ जाएगा। चलो थोड़ा लेट हो रहा हूँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया। चलो रोहन भाई, भाई गुड नाइट। तो अच्छा लगा मिलके, कोई ना कोई एक इंटरेक्शन हो गया मेरा। इतने राइड में कोई नहीं हुआ, किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ था। चलो अभी बढ़िया है। एक बंदा तो मुझे पूछा, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो फाइनली रीच्ड। तो ये है मेरा ओडोमीटर, टोटल किलोमीटर्स मैंने चला लिए 160 किलोमीटर्स और टोटल एवरेज मुझे 28 का दिख रहा है। तो मैं टोटल मेरा फ्यूल का एक्सपेंस बताऊंगा कितना हुआ है। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।